भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रत्याशी जय भगवान शर्मा डीडी ने नरकातारी रोड स्थित गायत्री चेतना केंद्र के प्रवेश द्वार का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया और गायत्री परिवार द्वारा आयोजित हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर आमजन के कल्याण और विश्व शांति की कामना की। आपको बता दें कि जय भगवान शर्मा डीडी ने अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती दर्शना देवी की याद में इस भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कराया है। जय भगवान शर्मा डीडी की पूजनीय माता दर्शना देवी गायत्री परिवार से जुड़ी थी। इस मौके पर गायत्री परिवार ने डीडी शर्मा को सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत में जय भगवान शर्मा डीडी ने गायत्री परिवार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार धर्म और कर्म के साथ आध्यात्मिकता का अनूठा केंद्र है। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार से करोड़ों सनातनी हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे भविष्य में भी गायत्री परिवार का सदस्य बनकर यहां धर्म और कर्म में भागीदार बनते रहेंगे। जय भगवान शर्मा डीडी ने अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती दर्शना देवी की याद में भव्य स्वागत द्वार का निर्माण करवाया है, जिस पर कई लाख रुपए खर्च आए हैं। गायत्री चेतना केंद्र में पहुंचे जय भगवान शर्मा डीडी का गायत्री परिवार के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया और उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रत्याशी जय भगवान शर्मा डीडी ने कहा कि वे कुरुक्षेत्र के लोगों की सेवा में तन मन धन से समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र उनका घर है, यहाँ रहने वाले सब लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। महिला पुरुषों और बुजुर्गों व युवाओं का समर्थन उन्हें और मजबूत बनाता है। जितने भी माननीय बंधुगण है, कौशिक जी का, धर्मपाल शर्मा जी का, बब्बर जी का, राजगौड़ जी का, बाल कृष्ण जी का और सभी जितने भी इनके इस संस्था से जुड़े हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से आदमी को यहाँ बुला के जो इतना मान सम्मान दिया। कुदरती जब हम खेड़ी मारकंड आए तब से कौशिक साहब और मेरे पूजनीय अंकल धर्मपाल जी इस संस्था से, इस गायत्री परिवार से हमें जोड़े। मेरी माता जी इससे बहुत जुड़ी थी, वो हरिद्वार तक भी गई और जितना संघर्ष बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी निस्वार्थ भाव से इन सब ने करके, यज्ञ का करने का मतलब क्या है कि यज्ञ से विश्व की शांति हो, शहर की शांति हो, सबका कल्याण। तो इतना बड़ा मिशन इन लोगों ने चला के जो इतनी बड़ी संस्था खड़ी करी है, एक तो मैं इनको सबको बधाई देता हूँ और पुण्य से इन सबका और जितने गायत्री परिवार से जुड़े हैं सभी भगत जनों को अपना नतमस्तक करते हुए इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से आदमी को यहाँ बुलाकर इस संस्था से जोड़ा और मेरा जो मान सम्मान किया। मैं परम पूज्य परमात्मा से, गायत्री माता से बेनती करता हूँ कि इन सब के परिवार में खुशियाँ रहें, इन सब का हेल्थ ठीक रहे और पुणे से इस देश के निर्माण के लिए जिस तरीके से यज्ञशाला चल रही है, इसको और भी बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं शहर वासियों को, प्रदेशवासियों को यही निवेदन करूंगा कि आज के इस कलयुग के दौर में जितना भी आप इतना भव्य यज्ञ करके मानव जीवन का कल्याण के लिए जो लगे हैं, ये बहुत ही जरूरी काम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।